लड़की पूरी लीन हो गई है। क्यों, किसने ने दिए? कैसा लगा देख के बताओ, आपकी चॉइस है। अरे वाह, चल चल चल, हो गया, चल, ओहो, चल, 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 चल। जान लेने के बच्चे की जान लग गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हो करते हैं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। बजने वाले हैं रात के 10, तो सोने से पहले मैं जा रही हूँ, मैं और गोलू जा रहे हैं जिम करने, क्योंकि अपना जिम का रूटीन नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा वेट और मसल्स गेन करनी है। गोलू को थोड़ा टमी लीन कर रहे हैं और ज्यादा, वैसे तो लड़की पूरी लीन हो गई है, देख सकते हो आप, पुराने कपड़े पहनने लग गए हैं। ये मेरे कपड़े 2019 के हैं पूरा सेट। चलो चलो, तो गाइस आज हमारा लेग वर्कआउट, तो वर्कआउट करने से पहले हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना जिम नहीं गई, तो वार्म अप बहुत जरूरी है, बॉडी थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी। मम्मी के साथ बच्चे भी आ गए हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हम भी वर्कआउट करेंगे। मम्मी आप अकेले अकेले वर्कआउट करते हो, हमें आज से वर्कआउट करना। मैं कह चलो ठीक है, आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे आपके साथ करेंगे। तो वन बच्चा इज विद मी, वन बच्चा इज विद पायल एंड टू बेबीज, बड़ा ब्रदर, उससे छोटा ब्रदर, दो ब्रदर इज स्लीपिंग। 5, 6, 7, 8, 9, खुश हो रही तू? 10, बहुत खुश। यानू कह रही मेरी कब आएगी? 11, अभी नेक्स्ट आपकी है। 12, 5, बोलो उठने पीछे, 6, हाँ, 7, पीछे होकर बैठ, ठीक है, हाँ, चलो, 8, 9, 10, 12 हो पाएगा गाइस, बस। तो गाइस ये मेरा सेकंड सेट और हम कर रहे हैं स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स। वेट है 5 kg, 10 kg, और मैं आज ना पूरे एक्सरसाइज में, पूरे वर्कआउट में वेट कम ही लगाऊंगी, क्योंकि एक महीने बाद मैं लेग का वर्कआउट कर रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि ना, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हो, तो उसकी वजह से कभी मीटिंग्स होती है, कभी कोई काम होती है, तो टाइम ही निकाल पा रही अपने लिए और जिम के लिए। से इतने दिनों बाद वर्कआउट करा, चलो पायल तेरे टर्न है, चल भाई। लो इस पर लड़की का नंबर। तो गाइस ये मेरा सेकंड सेट है और एक्सरसाइज, वेट अप कर लिया है, वेट है 10 ईच, हाफ पहले हाफ फिर फुल। सो गाइस सेकंड एक्सरसाइज है हिप एब्डक्टर और अब इसका फर्स्ट सेट करते हैं। तो पायल अभी रेस्ट ले रही है, क्योंकि ना बहुत दिनों बाद वर्कआउट करें, तो 15 से 20 सेकंड का रेस्ट लेगी जब तक मैं अपना सेट करूँ। तो भाई हमारे यहाँ पे छोटी सी गुड़िया आई है मुझसे मिलने के लिए, तो ये है राइना और राइना है 12th class में। तो मैं इससे पूछ रही थी कि आज कंजक से आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, क्यों किसने नहीं दिए? तो एक काम करती हूँ मैं दूंगी, मैंने आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ, ठीक है लेकर आओ, चाहिए अभी गिफ्ट, अभी लेके आती हूँ। आज हमारे पास एक कंजक का गिफ्ट था जो की सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था, कैसा लगा देख के बताओ? अच्छा लगा, अभी आप दोनों के लिए कुछ लेकर आइए, खोल के देखो। तो भाई राइना भी मेरे लिए और गोलू के लिए कुछ प्यारा सा गिफ्ट लेके आई है, मैं आपको यमुनानगर से। ओह माय गॉड, इतनी सारी चॉकलेट्स, ये किसके लिए है? मैं तो नहीं खाती, किसके लिए है बताओ? यान, जै, तोबा, चीकू, है ना? और राइना बहुत प्यारा सा बैग लेके आई है हमारे लिए। ये आपकी चॉइस है मम्मा की चॉइस है? सच से बताना, आपकी चॉइस है मम्मा की? किसकी चॉइस है? आपकी चॉइस है। अरे वाह, बड़ी प्यारी चॉइस है, बहुत ही प्यारी चॉइस है भाई। ये आपका फेवरेट कलर है? मेरा भी फेवरेट है। ये भी आपकी चॉइस है? कम कर लीजिए। दोनों मेरे फेवरेट कलर है दोनों। अच्छा मेरा कौन सा है और कृतिका का कौन सा है? माय गॉड, ये गोलू तेरा है? वाओ, ठीक है, और वाला मेरा है। वाओ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को वैसे भी मेरा फेवरेट कलर पिंक है और मेरा पर्पल। अच्छा मैंने अभी आज कॉन्फिडेंस वही पहना हुआ। सो गाइस अब है हमारी थर्ड एक्सरसाइज, हिप एब्डक्टर की ही सेकंड पार्ट है, मतलब कि अभी मैंने की थी, आउटर थाई अब मैं करूंगी इनर। तो गाइस फाइनली भाई मैं पहुंच गया लेग का वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि जट दे पट्टा चल जा। तो गाइस आज सारे लेग का वर्कआउट कर रहे हैं और सबसे अच्छा पोस्चर पायल और लक्ष्य का आता है, गोलू का थोड़ा पोस्चर डगमगा जाता है, तो आज उसको अच्छे से पोस्चर से करवा रहा हूँ आज। बस यहाँ बैठ, एक सेकंड बैठ, चल, हाँ यहीं से उठेगा, चल चल, हाथ थोड़े से क्रॉस कर, ज़्यादा खुल गया, चल फोर बैक अंदर, जल्दी स्ट्रेट रखो,
स्ट्रेट गल सही रख चल वेरी गुड फाइव मोर चल बस ऑलरेडी मैं कर चुकी थी ना इसलिए। तो गाइस हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है स्प्लिट स्क्वाट्स और अभी इसके लिए ना हम टेबल सेट करें क्योंकि जो हमारे पास जिम का टेबल है ना उस थोड़ा सा ऊंचा है और उसकी हाइट ज्यादा है उसकी वजह से ना करेक्ट पोस्चर आ नहीं रहा तो अभी हनुमान जी हमारा सेटअप कर रहे हैं। बता दूं मैं आज जो ये भीड़ भरा के ये दुनिया है ना और आज हमने जो जिम ऊपर रखा मतलब इतना सुकून मिल रहा है ना बाकी गोलू बताएगी जब हम चंडीगढ़ या फिर कहीं और होते एक दिन के लिए जिम जाते हैं तो कितनी आफत होती है आना जाना 3-4 घंटे खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है बंदा उसी में थक जाता है क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा है घर से निकलते हैं वर्कआउट सोचने के लिए 1 घंटा ट्रैफिक में फिर आने में ट्रैफिक फिर इंसान का कभी कभी होता है चल छोड़ आज वर्कआउट रहने देते हैं पर एटलीस्ट ऊपर है 2 कदम रखो वर्कआउट कर लो और कोई इमरजेंसी का काम हो तो नीचे चले जाओ। तो वही जट दे पट्टा च जान है बेटा 50 किलो और कुछ लोग बोल रहे हैं 50 तो कुछ होता है भाई हम रेगुलर कर रहे हैं वो लिफ्टिंग नहीं करते मूवमेंट के पे काम कर रहे हैं तो अभी आज मैं वेट पूरा 120-130 kg करूँगा तो अभी इसके मैं 10 लैप निकालू ये पॉस्चर लक्ष्य बताइए परफेक्ट भाई लड़की ने भी एक उठा रखा 40 किलो चल कितने 4-5 वेरी गुड चलो हाफ जाएंगे बस यहीं से उठे बस यहीं से नीचे चलो ऊपर आओ बस यहीं से नीचे चल 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 वेरी गुड 5 मोर यहाँ से एक और 5 और चल 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 हो गया चल बैठ तो आपकी बारी है तब कराऊंगी तेरे को शर्म नहीं आती तो बॉडी बनवा रहा तेरी फ्री का ट्रेनर मिल रहा है तेरी शर्म नहीं तो गाइस वेट है 100 kg और रैप निकालेंगे साथ तो जट दे डोला च जाने कौन सा पीछे आओ गोल तू करवा दी वेट कितना टाइम है बस जट दे डोले जाने साथ रैप है सात रैप निकालेंगे बेल्ट अब थोड़ी सी आने लगी है बेल्ट पेट पतला हो रहा है जट दे डोले जब हेल्प चाहिए मुझे बता देना पहले हट जा तू तो आने के लिए नहीं है कुछ भी अच्छा आ जा ठीक है हम पहले तो सेफ्टी लगाएंगे ये कर्म मैं करके देखूंगा कितना भैया 80 किलो देखियो ठीक है देखियो पीछे कमर सीधी है मेरी चल जान लेंगे बच्चे की जान लग गया ठीक है 5 नहीं आराम से करना है ठीक है जल्दबाजी नहीं आगे बैठेगा चल साइड में जट दे डोले च जान है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फ्री स्क्वाट से फ्री फ्री चल वेरी गुड 5 और 1 3 2 चल चल वेरी गुड एक और आखिरी चक दे चक 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 चक
वाह भाई वाह, देखा सपोर्ट कैसे काम आती है, ऐसे कुबड़ी हो गई थी। नहीं 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 पायल क्यों पकड़ के क्यों बैठी है? मैं पीछे वेट कर रही हूँ ना अपना सारा। अकेले बैठेंगे। मैं गिर तो। तेरे को गिरने दूँगा मैं? नहीं। चल। क्या बैठू ही देगा? नहीं बैठ सकती। बैठ अब। नहीं बैठ सकती। मैं तो आदमी था बैठ अब। मैं और तू ना। बैठ फिर एक बार बैठ के देखे। उठ उठ लक्ष्य। मैं केशव को उठा के रख सकती हूँ, बस पायल केशव बच्ची को उठा के रख सकती हूँ। चल जल्दी तो गाइस आज का कंपटीशन मैंने पायल को उठा लिया, इन्होंने पायल को उठा लिया, लक्ष्मी ने पायल को उठा लिया। अब भैया रहेंगे केशव को, क्योंकि पायल का जितना वेट है उससे 3 किलो शायद 4 किलो कम केशव का होगा। चलो भैया आपको स्क्वैच करनी है तो एक सेकंड में हट जाती हूँ, कुछ आवाज सी नहीं आई ढंग के। चलो चलो भैया आपको स्क्वैच करनी है अब, ठीक है? हाँ। नहीं जिसको कर रही उसकी आवाज नहीं आई थी। केशव कह रहा झूले मार के। चलो 1 2 very nice 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी नाइस। पायल खाना भिजवा दूं ऊपर मंजिल पे। केशव कह रहा है कि मेरे को नीचे मत उतारो। केशव वाला आप मैं समझ गई, मैं समझ ये कह रहा है मैं भी करूंगा गुड्डू, मैं भी करूंगा। देखो एक सेकंड, आपने केशव को तभी नहीं किया ना क्योंकि आपको लग रहा था क्या इसको उठाऊं। भाई मैं तक बैठा रहता छत पर बाकी मेरे पर चाहे एक निकालू करके देखो। अच्छा ये कर। अच्छा केशव भाई कभी पता चले तो कल भाई है। चलो भाई वेरी गुड, एक दो पैर गोटे मदिला, 3 4 खुश दे 5 ठीक होती जा रही है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, तो आप भी भाई वर्कआउट पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। अभी हम कर रहे हैं सुमो स्क्वैट, ठीक है? चाट दे बहुत अच्छी जा। तो भाई लक्ष्य बहुत ही अच्छी पोस्चर में कर रही है, अब जाके चेक कर लो, लड़की बहुत कमाल का वर्कआउट कर रही है। बहुत बढ़िया, 5 more 1 चल 2 तो भाई हमारे पास ना 40 किलो का डंबल है और मूवमेंट आप देख ही पा रहे हो, मतलब मेरा रहता है कि मूवमेंट अच्छी हो, रैप सही हो, जिद नहीं है, तो दोबारा रेसल अप निकालेंगे बहुत ही तरीके से। बाकी हमारा छोटा भाई नहीं है तो बहुत सारे लोग ना काप्स में छोड़ देते हैं, उनको लगता है काप्स में कुछ नहीं है, तो भाई काप्स आपकी थाई की नींव है, मेरे काप्स बहुत पतले हैं और मैं फिर भी वेट लगा लेता हूँ, पर मैं रेगुलर इसको ट्रेन किया। रुकना नहीं। तो बस गाइस मेरा और गोलू का वर्कआउट हो गया क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आए थे, तो अब हम जा रहे हैं वापस नीचे सोने क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है और हमने 10 बजे की टाइमलाइन दी थी, 10 बजे की टाइमलाइन दी थी कि हम 10 बजे सो जाएंगे, 5 मिनट बचे हैं। तो बस इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खाओ पियो, बाय बाय।